वेलकम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एनके लॉ पॉइंट। दोस्तों आपको इस चैनल पे जो जानकारी दी जा रही है, आप इसको पसंद कर रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और चैनल में अगर नया विजिट किया है आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। दोस्तों आज का जो टॉपिक है कि लीगल नोटिस जो है, हमें इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। लीगल नोटिस जो एक एडवोकेट द्वारा भेजा जाता है, आप खुद भी भेज सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है कि आप एडवोकेट द्वारा ही भिजवाएं, मगर अगर आप एक एडवोकेट को लीगल नोटिस भेजने के लिए कहते हैं तो वो उस तरीके की लैंग्वेज अपने लीगल नोटिस में लिखता है। तो दोस्तों बेसिकली क्या है कि हम ये जानते हैं कि एक लीगल नोटिस की जरूरत क्या पड़ती है, ठीक है। लीगल नोटिस का यूज क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है भेजने का, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। तो मान लीजिए दोस्तों कि आपको किसी ने एक चेक दिया है, आपको किसी से पैसा लेना है, उसने चेक के थ्रू आपको वो पैसा दिया है, ठीक है। अब आपने चेक ले लिया, चेक लेने के बाद आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट कर दिया विद इन टाइम, ठीक है। 3 महीने का टाइम होता है चेक को बैंक में जमा करने का। आपने चेक जैसे आज लिया और कल आपने चेक जमा करा दिया। अब वो चेक किसी भी कारण से बाउंस हो जाता है, ठीक है। चेक के बाउंस होने के कई तरीके हो सकते हैं, जैसे कि अमाउंट गलत लिख दिया हो, कोई करेक्शन कर दिया गया हो, या कोई डेट जो है गलत भर दिया हो, या साइन में कोई गलती हो, या जो बैंक धारक है जिसने आपको चेक दिया है उसके बैंक में पैसा ही ना हो, तो चेक बैंक जो है उसको बाउंस कर देता है, आपको पैसा नहीं देता, वो बाउंस है। क्योंकि जब अकाउंट में पैसा नहीं है तो चेक क्यों क्लियर किया जाएगा। अब क्या होगा कि अब आप परेशान हो जाते हैं, अब आपको पैसा तो उससे लेना है, अब आप उससे पैसा कैसे लेंगे, उसको बताना तो जरूरी है ना कि भाई आपने जो मुझे चेक दिया था वो बाउंस हो चुका है, तो आप मेरे को पैसा दीजिए मेरा। मगर आप जब उसको इन्फॉर्म करेंगे वो काम तभी होगा, ठीक है ना। तो अब आप उसको बोलते भी हैं, आप उसको ओरली भी बोल देते हैं, टेलीफोनिक बोल देते हैं, उससे मिल लेते हैं जाके कि भाई ये चेक है, ये चेक जो आपने मेरे को दिया था, जो आपको मुझे पैसे देने थे, वो चेक बैंक ने बाउंस कर दिया है और इसका रिटर्निंग मेमो भी बैंक ने दिया है। चेक बाउंस होने के बाद बैंक एक रिटर्निंग मेमो देता है, उसमें लिखा होता है रीजन कि चेक किस कारण से बाउंस हुआ है, और वो रिटर्निंग मेमो आपको लेना जरूरी होता है बैंक से, ये ध्यान रखिएगा। अब आपने चेक और रिटर्निंग मेमो जो है उसको दिखा दिया कि भाई ये बैंक ने इस कारण से रिजेक्ट कर दिया, बाउंस कर दिया चेक, तो आप मेरे को पैसे अब दीजिए। अब वो क्या करता है कि आपको उसका उद्देश्य ही नहीं है आपको पैसे देने का, तो आपको वो बोलेगा कि भाई कल ले लियो, परसों ले लियो, ऐसे काफी टाइम बीत जाता है। बट क्या है कि आपकी मेहनत के पैसे आपको लेना जरूरी है। अब क्या होगा कि आप एक रास्ता अपना सकते हैं कि एक वकील के द्वारा आप उसको लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं, 1 महीने के अंदर अंदर उसको लीगल नोटिस भिजवा सकते हैं। उसमें सारी डिटेल्स लिखी जाती है कि इस डेट को मुझे चेक दिया था, इतने अमाउंट का चेक था, चेक नंबर ये है, इस डेट का चेक था, मैंने इस दिन को सबमिट किया, बैंक ने इस दिन को इसको बाउंस कर दिया, रिजेक्ट कर दिया, उसका रिटर्निंग मेमो ये है, सो एंड सो, और इतने अमाउंट का चेक था, ये सब कुछ लीगल नोटिस में ये बातें लिखी जाएगी। और 1 महीने के अंदर अंदर उस जो बैंक धारक है जिसने आपको चेक दिया उसको आप भिजवाएंगे। अब क्या होगा, जो बैंक धारक है वो आपको 15 दिन के अंदर अंदर आपको उसका जवाब देगा कि मैं इस डेट को पैसे दे दूंगा, ठीक है। या अगर वो कोई जवाब नहीं देता तो केस आपके फेवर में हो जाता है कि मैंने जो इस बंदे को है 1 महीने के अंदर अंदर लीगल नोटिस भेज दिया था, मैंने इसको इन्फॉर्म कर दिया था। अगर आप इन्फॉर्म नहीं करेंगे 1 महीने के अंदर तो आपको पैसे मिलना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए 1 महीने के अंदर उस व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजना जरूरी होता है, जो एक सबसे बड़ा लीगली तरीका होता है।
ठीक है। तो बेसिकली आपको समझ आ गया कि लीगल नोटिस का मतलब क्या होता है, इसका पर्पस क्या होता है भेजने का। तो आपको मोटी मोटी बात समझ आ गई कि लीगल नोटिस का बहुत बड़ा एक पर्पस है भेजने का, कि मैंने उस बंदे को इन्फॉर्म कर दिया था कि ये चेक बाउंस हो गया और मुझे पैसे दो मेरे। 15 दिन के अंदर वो आपको जवाब देगा ही देगा, अगर नहीं देगा तो केस आपके फेवर में होगा ही होगा, उसको आपके पैसे देने ही पड़ेंगे। ठीक है दोस्तों, तो लीगल नोटिस का मतलब ये होता है कि पहले प्रथम सूचना, जैसे कि हम पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज करवाते हैं ना, फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, ऐसे ही लीगल नोटिस होता है कि हमने उस बंदे को इन्फॉर्म कर दिया था, हमने पुलिस स्टेशन में FIR दर्ज कर दी थी, हमने उस बंदे को लीगल नोटिस भिजवा दिया था। तो कोर्ट ये देखती है कि आपका अगर चेक बाउंस हुआ है तो आपने क्या उस बंदे को इन्फॉर्म किया था, उस बंदे को बताया था, आपने लीगल नोटिस भेजा था उसको। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये समझ में आया होगा लीगल नोटिस का क्या महत्व है, क्या इसका पर्पस है। मोस्टली 138 के जो केस होते हैं, जो चेक बाउंस के केस होते हैं, उसमें लीगल नोटिस भिजवाया जाता है। बहुत सी ऐसी चीजें होती है जिसमें लीगल नोटिस भिजवाया जाता है, और मोस्टली 138 के केसेस होते हैं। तो होप दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, और मुझे लगता है कि मैं इस चैनल पे जो भी लीगल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ आप लोगों को, फ्री लीगल एडवाइस जो दे रहा हूँ, ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से, तो आपको वो चीज़ें समझ में आ रही होगी, पसंद आ रही होगी। और अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर ज़रूर कर देना, जो कि एक लाइक करना तो बनता ही है आपका। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छे टॉपिक के साथ, बहुत ही अच्छी लीगल इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।